बार फिर से आपको अयोध्या लेके चलते हैं, जहां पर मेनका चौधरी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। मेनका, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, लोगों में कितना उत्साह है, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। साथ ही ये भी बताइए कि आज जो एक खास क्षण रहेगा, जब प्रभु श्री राम के मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और प्रभु राम का तिलक होगा, उसका हर कोई साक्षी बनना चाहता है, तो ऐसे में बहुत कम लोग होंगे जो कि मंदिर के अंदर मौजूद होंगे, तो ऐसे क्या कुछ बाहर भी व्यवस्था की गई है ताकि लोग उस पल के साक्षी बन सकें? ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं करुणा निधान जी से ही ले लूंगी, आचार्य जी से, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा दें। ये देखिए, देखिए यहाँ किस तरह से टुकड़ियों में लोग गाना गा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, सब उत्सव के माहौल में हैं, क्योंकि रामलला प्रकट होने वाले हैं। रामनवमी के मौके पर हर साल अयोध्या में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन जब बात इस बार की रामनवमी की है, तो इस बार की रामनवमी पर ये संख्या, ये उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है, कई गुणा बढ़ गया है। और इसकी वजह है कि रामलला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान है, वो टाट से निकलकर अब ठाट से हैं, अपने सिंहासन पर है, और ऐसा पहली बार है। जय श्री राम। कहाँ से आए आप लोग? बीकापुर। बीकापुर, मिर्जापुर से। बीकापुर, बीकापुर। जय श्री राम। कैसा इंतजाम यहाँ पे? जय श्री राम। इंतजाम कैसे है? इंतजाम कैसे है व्यवस्था? अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। कोई ऐसा जो है दर्शन हुए कि हर जगह दर्शन एक से बाहर है, पूरी जगह। कहाँ से जी? तो ऐसे ही भीड़ बहुत है, लंबी भीड़ है और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। बिल्कुल, सभी को इंतजार है उस पल का जब प्रभु राम का तिलक होगा। आपका जुड़ने के लिए मेनका बहुत शुक्रिया, और यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।